सत श्रीकाल जी, मैं जतेंद्र सिंह वी मैट तो संभव फाउंडेशन तो। अज मेरा दिल से, मैं ना पिछले कुछ दिनों च कुछ बहुत वधिया अनुभव किए, तो मेरा दिल सीगा तुहाडे सारयां नाल मैं वो सांझे करा। जसवंत जफर एक बहुत वधिया लेखक, एक बहुत वधिया पोइट, मेरे दोस्त, उन्हां दीआं रचनावां ने मेरी जिंदगी दे उत्ते बहुत प्रभाव पाया। उन्हां दी एक किताब असी नानक दे की लगदे हाँ, मैनू इन्नी क अच्छी लगती है कि मैं सैकड़े किताबां डिस्ट्रीब्यूट भी कीतियां होणियां। उहदी एक कविता, मैं ते तुहाडे लफ्जां दा जादू हाँ, तुसी कहा ते मैं हो गया, तुसी कहोगे ते मैं हो जावांगा। इस कविता ते मैं सैकड़े सैमीनार लगाते, टीचर सैमीनार, रिलेशनशिप सैमीनार, भी साडे लफ्जां दे विच किन्नी ताकत है ते असी लफ्जां दे नाल किन्ना कुछ बदल सकते हैं। तकरीबन जद दी उहनां दी किताब छपी है काफ़ी सालों तो, मैं ये किताब बड़े शौक नाल पढ़दा। इहदी एक कविता रब मैनूं बहुत पसंद है, भाई कन्हैया बहुत पसंद है। पिछले कुछ दिनों दे विच मेरे कोल बहुत सारे रिश्ते आए, हसबैंड वाइफ न्यूली मैरिड, 6 महीने होए विआह नूं, 4 महीने होए ते उह खराबी होई होई। तो मैं ना सारयां नूं, क्योंकि मैनूं किताब बहुत चंगी लगती है, तो मैं उहनां नाल शेयर भी करदा भी तुहाडा स्पाउस वो तो थोड़े लफ्जां दा जादू है, तो मैं गिफ्ट वजो उन्होंने किताब वंड रहा सीगा। किताब ऐतकी वंडदे वंडदे मैनूं ध्यान आया कि भी किताब पढ़न की तो शायद लोड़ ही नहीं, किताब दे तो टाइटल तो ही बल्ले बल्ले हो जाती है जिंदगी दी। किताब का टाइटल जो नाम उन्होंने रखिया, असी नानक दे की लगते हाँ, जो मैं विचार किया तो मैं जो इन्ने लोगों को मिलता काउंसलिंग दौरान, तो मैं देखा बहुते लोगों को तो पता ही नहीं कि असी नानक दे की लगते हाँ। वो जो संबोधन करेंगे तो किदां करेंगे, पढ़ाया गया तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भराता। तो गुरु नानक देव जी उम्मीद करते पे है कि मेरा पुत्र फोन करेगा, मेरा दोस्त फोन करेगा, मेरा भरा फोन करेगा। पर जे संबोधन करने वाला उन्हूं अपना रिश्ता ही नहीं पता, वो एक मंगता, एक विचारे जे वक्कण या एक दुखियारे वक्कण गल करेगा, तो मैं सोचन लग पाया भी उन्हूं जवाब किदां दा आएगा। उत्थे मसला ये तो है ही नहीं कि गुरु नानक जी ने तुहाडे वास्ते की अवेलेबल कराया होया है, मसला तो है कि तुसी अपना उन्हां नूं रिलेट किदां करदे हो। जदों मैं आ चीज़ बारे विचार करता पाया सी तो मैनूं ऐ लग्या साडा तां बहुते रिश्तियां जिही हाल है, हसबैंड वाइफ जे तुसी एक दूजे नूं ओपर एक रिलेट करदे हो, तुहानूं पता ही नहीं आ मेरी वाइफ लगती है तो मैं इहदे नाल गल किदां करनी है, मेरा हसबैंड लगता मैं गल किदां करनी है, भरा नाल गल किदां करनी है, डैडी नाल गल किदां करनी है। जे ओपर अक्कण गल करोगे तो ओपरा रिजल्ट आएगा, जे अपने अक्कण गल करोगे तो उदां दा रिजल्ट आएगा। मैं आ जदों चीज़ नूं प्रेजेंट होया तो मैनूं ऐ एक तो आ बड़ा अजीब जिहा लग्गिया, इन्ने साल हो गए मैनूं आ किताब वंडदे नूं, तो कई बार यह चीज़ वाल ध्यान भी 15-15 साल बाद आया, मतलब इन्ने साल मैनू लंघ गया ध्यान ही नहीं आया भी आता किताब टाइटल ही पढ़ के जे असी इहनूं समझ लिया कि साडा रिश्ता है की तो साडी जिंदगी बल्ले बल्ले है। तो मैं इस वीडियो राही जसवंत जफर जी का धन्यवाद भी करना चाहना कि तुसी इन्ना शानदार लिखते हो, तो बहुत सारे लोगों की मैं जिंदगी दे विच प्रभाव पा सकिया तुहाडियां लिखतां दे नाल। तो थैंक यू वेरी मच जी, इदां ही वधिया काम करदे रहो, वधिया किताबां लिखदे रहो, तो असीं तुहाडा सुनेहा लोकां तक पहुँचाते रहिए। तो मैं तुहानूं सारयां नूं इक वारी फिर रिक्वेस्ट करदा, एक वारी तुसीं चैक करियो भी असीं नानक दे की लगदे हाँ। जिहड़े किसी होर देवी देवते नूं मनदे ने आप उह वी चैक कर लियो, असीं कृष्ण जी दे की लगदे हाँ, जदों असीं उहनां नाल गल करदे हाँ कि असी उन्हां दे पुत्तर, उन्हां दे दोस्त, उन्हां दे भैन भरा बन के गल करदे हां या कुछ होर ही बन के करदे हां। इहदे ते विचार करियो, ते बेशक मेरे फेसबुक पेज ते या मेरे फोन नंबर ते 98140-27317 ते वट्सएप ते मैसेज राही मैनू अपना फीडबैक जरूर दियो। मैनू बहुत ही खुशी हुई, मैं पिछले बहुत सारे दिनों के बहुत सारे रिश्तियां नू जो तो वखरे तरीके देखे तो मेरे रिश्तों के स्वाद वधिया हो गया।
थैंक यू वेरी मच। यही गल मैं थोड़े नाल सांझी करना चाहुंदा सीगा।